नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि किस तरीके से आप डिजिटल वोल्टेज मीटर का आप कनेक्शन कीजिएगा। ये देखिए, यहाँ पर ये डिजिटल मीटर हमारा है और इसके पीछे का हम कनेक्शन देख लेते हैं। तो मिस्त्री है जो इन दोनों में न्यूट्रल फेस कनेक्शन करके कहते हैं कि हमको एम्पियर शो नहीं कर रहा है। एम्पियर शो करने के लिए हमको इसमें जरूरी कनेक्शन करना है। ये जो होता है वो सीटी मीटर होता है। इसके अंदर सिटी मीटर में जब तक आप तार नहीं लगेगा, जब तक आपको एम्पेयर नहीं बताएगा। इसमें यहाँ पर जो एम्पेयर है वो एम्पेयर आपको नहीं बताएगा, सिर्फ वोल्टेज बताएगा। तो चलिए हम आपको इसका कनेक्शन करके आपको बताते हैं कि किस तरीके से ये आपको वोल्टेज और एम्पेयर दोनों बताएगा। ये हम वीडियो को शुरू करते हैं। इसके लिए हम पहले एक वायर ले लेंगे। यहाँ पर हम पहले हम न्यूट्रल का कनेक्शन कर देंगे। यहाँ पर हम फिर हम फेस वाला लाइन ले लेते हैं। उसके बाद हम इस फेस वाले तार को हम सिटी मीटर से अंदर डाल के इसको निकाल लेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम कोई भी आउटपुट लोड डाल सकते हैं और यहाँ पर हम इसमें इनपुट लोड डाल के हम चेक करते हैं कि किस तरीके से ये काम कर रहा है कि नहीं। देखिए, हमने इसको इसमें चेक करने के लिए लगा रहे हैं। अब हम इसका इसमें कनेक्शन कर देंगे। और इसमें हम लाइन का सप्लाई देंगे। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 225 वोल्ट है और एम्पियर आपको भी शो कर रहा है, 4.3 एम्पियर है। यहाँ पर इस साइड से देख सकते हैं किस तरीके से हमने कनेक्शन किया है इसको। हमने यहाँ पर न्यूट्रल दिया और यहाँ पर फेस दिया और एक फेस तार को आपको इस सिटी मीटर से बाहर निकाल के हमने इसमें कनेक्शन किया है। इस तरीके से आप इस मीटर को कहीं पर भी लगा सकते हैं, जैसे घर का लोड हो, घर के लोड पर भी लगा सकते हैं आप, घर पैनल में भी लगा सकते हैं। इस तरीके से देखिए किस तरीके से हमारा एम्पेयर और वोल्ट दोनों शो कर रहा है। इसी तरीके से हम इसका कनेक्शन करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।